14 फरवरी को मतदान संपन्न कराने के लिए शनिवार यानी कल जिले की तीनों विधानसभाओं के लिए 400 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। डीएम मयूर दीक्षित व सामान्य प्रेक्षक अजय यादव की मौजूदगी में राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं जिले में इस बार विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से टैक्सी वाहन यूनियन से 800 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। शनिवार यानी कल 72 पोलिंग पार्टियों में से पुरोला विधानसभा क्षेत्र के लिए 53 पोलिंग पार्टियां व यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जबकि गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। कुल मिला के 539 पोलिंग पार्टीज हैं और ये सभी पार्टियां शाम तक अपने मतदान स्थल पे पहुंच जाएंगी और कल सुचारू रूप से चुनाव करेंगी। सर, कई जगहों पर रोड से दूर दराज क्षेत्र हैं तो वहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं क्या रखी हुई है? पैदल सबसे सुदूर क्षेत्र थे उनमें हमने P-3 P-2 दिन पार्टी रवाना हो गई थी। आज जो पार्टियाँ रवाना होनी उनको ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी, इसलिए उनको आज के दिन हम रवाना करते हैं। जैसे कि आपने बड़ा अवगत कराया कि जैसे दूर संचार की जरूरत है तो हमारे जनपद में 62 बूथ ऐसे हैं जिनमें संचार या तो बहुत कम है या नहीं है, तो ऐसे स्थानों के लिए हमें सभी जगहों पर वायरलेस सेट दिए हैं और उसके साथ साथ अतिरिक्त में हमें कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें 58 सैटेलाइट फोन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिससे हम बार बार संपर्क कर रहे हैं। और जहाँ पर बर्फबारी की स्थिति है तो गाँव में जो बर्फबारी वाले चिन्हित क्षेत्र हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, उसके लिए विभागवार हमें विभाग आवंटित कर दिए हैं मार्गवार। तो कुछ गाँव में जैसे बर्फ पड़ी है तो वो हटा ली गई है और संबंधित गाँव से समन्वय कर लिया जाए, जैसे कि अगर बर्फबारी फिर स्थिति बनती है तो वो उनके द्वारा साफ कर लिया जाए। उधर 353 वाहनों के अलावा परिवहन विभाग ने 94 बसें, 123 वाहन सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 वाहन जोलन मजिस्ट्रेट और 44 वाहनों को SST, SFT व फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ चुनाव ड्यूटी में लगाई गई है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।